भारतीय सिनेमा अनगिनत किस्से, कहानियों और कई वाक्यात से भरे एक युग को खुद में समेटे हुए है, जहां हर कोई कुछ बड़ा करने और बड़ा बनने के लिए आता है। इनमें से कुछ लोग जहां इस आसमान का ध्रुव तारा बनकर हमेशा चमकते रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग इस चमकती दुनिया में लाखों तारों के बीच ही दबकर रह जाते हैं, जिन्हें समय की मांग और नए लोगों की जरूरत एक पल में आसमान से तोड़कर जमींदोज कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री महिमा चौधरी के बारे में। 13 सितंबर 1973 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर की वादियों के बीच एक जाट पिता और नेपाली माँ के घर जन्मी महिमा चौधरी का असली नाम ऋतु चौधरी है। महिमा चौधरी ने अपनी पढ़ाई दार्जिलिंग की लोरेटो कॉलेज से पूरी की थी, जिसके बाद इनका रुख मॉडलिंग की तरफ बढ़ने लगा, जिसके चलते इन्होंने कई टीवी एड्स में भी काम किया। अपने एड फिल्म करियर में महिमा चौधरी का सबसे फेमस एड पेप्सी के लिए था, जिसमें इन्होंने आमिर खान और ऐश्वर्या राय के साथ काम किया था। महिमा चौधरी ने अपने मॉडलिंग करियर के दौरान मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी भाग लिया था, जिसके चलते वो इस दुनिया में एक बड़ा नाम बन गई थी। मॉडलिंग के बाद महिमा चौधरी ने एक म्यूजिक चैनल के लिए वीजे के तौर पर भी काम किया था। इस बीच महिमा चौधरी को फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ने अपनी फिल्म करीब में काम करने का ऑफर दिया, जिसे महिमा चौधरी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। फिल्म करीब के लिए जिस समय रिहर्सल का दौर चल रहा था, उसी दौरान सुभाष घई की नज़र महिमा चौधरी पर पड़ी, जो उस समय अपनी आगामी फिल्म परदेश पर काम कर रहे थे। सुभाष घई ने महिमा चौधरी को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन महिमा चौधरी कुछ दिनों तक उनसे मिलने नहीं गई, क्योंकि सुभाष घई अपनी फिल्म परदेश के लिए लगभग 3000 नए चेहरों का ऑडिशन ले रहे थे, जिसमें उस समय के सबसे खूबसूरत चेहरों के नाम भी शामिल थे, और ऐसे में खुद का सिलेक्शन महिमा चौधरी को मुश्किल लग रहा था। कुछ समय इस फिल्म को टालने के बाद भी जब इन्हें सुभाष घई की तरफ से बुलावे आते रहे, तो इन्होंने एक बार मिलने का मन बनाया और सुभाष घई के ऑफिस चली गयी। कुछ देर तक विचार विमर्श करने के बाद महिमा चौधरी को फिल्म परदेश के लिए साइन कर लिया गया, और इस तरह 3000 लोगों की भीड़ में निकला वो चेहरा जिसने 90s के दौर में सभी को अपना दीवाना बना लिया था। दूसरी तरफ फिल्म करीब में महिमा चौधरी की जगह बॉबी देओल के अपोजिट शबाना रजा नाम की एक नई लड़की को सिलेक्ट कर लिया गया, जो आज अभिनेता मनोज वाजपेयी की पत्नी है। 8 अगस्त 1997 को फिल्म परदेश सिनेमा घरों में रिलीज हुई, जिसके बाद महिमा चौधरी का नाम हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था। गंगा के किरदार की मासूमियत ने हर किसी को इनका दीवाना बना दिया था, और इसी दीवानगी के चलते महिमा चौधरी को साल 1998 में परदेश फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड भी दिया गया। महिमा चौधरी को स्टारडम से रूबरू करवाने का श्रेय जहां सुभाष घई को जाता है, तो वहीं ऋतु चौधरी को महिमा चौधरी भी सुभाष घई ने ही बनाया था। दरअसल फिल्म परदेश पर काम करने के दौरान सुभाष घई ने महिमा चौधरी को यम से शुरू होने वाला कोई नाम रखने को कहा, क्योंकि सुभाष घई की पिछली लगभग सभी अभिनेत्रियों के नाम इसी अक्षर के साथ शुरू होते हैं, जैसे माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्री और मनीषा कोइराला, और इसी वजह से सुभाष घई इस अक्षर को कहीं न कहीं खुद के लिए लकी मानने लगे थे। यही कारण था कि ऋतु चौधरी के नाम से मुंबई आने वाली एक लड़की को पहचान मिली महिमा चौधरी के नाम से। फिल्म परदेश के हिट हो जाने के बाद महिमा चौधरी के पास कई और फिल्मों के ऑफर आए, जिनमें से कुछ फिल्मों को उन्होंने साइन किया और कुछ फिल्मों को रिजेक्ट भी करना पड़ा, जिनमें से एक बड़ा नाम है सत्या, जिसने मनोज वाजपेयी को स्टार बना दिया था। साल 1999 में महिमा चौधरी ने फिल्म दिल क्या करे में काम किया, जो अजय देवगन और काजोल की शादी के बाद साथ में पहली फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जब एक दिन महिमा चौधरी बेंगलोर में अपने घर से स्टूडियो जाने के लिए निकली, तो रास्ते में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह एक्सीडेंट इतना भयानक था कि जब अस्पताल में इनकी सर्जरी हुई, तो लगभग 67 शीशों के टुकड़ों को इनके चेहरे से निकाला गया था। इनके पूरे चेहरे पर जगह जगह टाके लगे हुए थे, जिसके चलते इन्हें किसी भी तरह की लाइट से दूर रहने को कहा गया, और इसी कारण महिमा चौधरी ने कई दिनों तक आईनों में अपना भी नहीं देखा। कुछ दिनों तक घर में रहने के बाद महिमा चौधरी ने दिल क्या करे और प्यार कोई खेल नहीं जैसे फिल्मों की शूटिंग पूरी की, लेकिन अब उनके चेहरे की वो चमक कहीं खत्म हो गई थी, जिसने पहले ही फिल्म से माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय जैसी अभिनेत्रियों के बीच अपनी जगह बना ली थी। इसके बाद महिमा चौधरी को धड़कन और बागवान जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों में महिमा चौधरी का रोल एक गेस्ट अपीयरेंस से बढ़कर कुछ नहीं था। इसके अलावा महिमा चौधरी ने दाग दी फायर फिल्म में भी काम किया, जिसमें इनके डबल रोल थे। धड़कन फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिलने के बाद महिमा चौधरी को फिल्म कुरुक्षेत्र में संजय दत्त के साथ और खिलाड़ी 420 में अक्षय कुमार के साथ काम करने का मौका मिला था। साल 2001 में महिमा चौधरी लज्जा जैसी फिल्म में भी नजर आई थी, जो फेमिनिज्म जैसे बड़े मुद्दे पर आधारित थी, जिसमें महिमा चौधरी के द्वारा निभाए गए मैथिली के किरदार को बहुत पसंद किया गया था। इसी बीच एक खबर आई कि महिमा चौधरी टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस को डेट कर रही हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद महिमा चौधरी
को लिएंडर पेस और रेहा पिल्लई के नजदीकियों के बारे में पता चला तो महिमा चौधरी लिएंडर पेस से अलग हो गईं। इसके बाद ये तेरा घर ये मेरा घर, दिल है तुम्हारा और ओम जय जगदीश जैसी फिल्मों में काम करने के बाद महिमा चौधरी ने साल 2006 में एक आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी से शादी कर ली। इस शादी से महिमा चौधरी को एक बेटी हुई जिसका नाम आर्याना रखा गया। अलग अलग तरह की फिल्में और अलग अलग किरदार निभाने के बाद भी महिमा चौधरी को वैसा करियर नहीं मिल पाया जिसकी उम्मीद परदेश जैसी फिल्म करने के बाद हर कलाकार करता है। शादी के बाद महिमा चौधरी ने कुड़ियों का है जमाना और गुमनाम दी मिस्ट्री जैसी फिल्मों में भी काम किया लेकिन कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। साल 2015 में महिमा चौधरी स्विस बैंक में अपने अकाउंट की खबरों के चलते काफी सुर्खियों में रही थी। इसके अलावा अगर बात करें इनके फिल्मी करियर से जुड़े विवादों की तो अपने पहले डायरेक्टर सुभाष घई के साथ इनके संबंध फिल्म परदेश के बाद बिगड़ गए थे। दरअसल महिमा चौधरी ने फिल्म परदेश के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसमें क्लोज के अनुसार महिमा चौधरी को अगले 5 सालों तक अपनी हर फिल्म के लिए मिलने वाली फीस का 30% सुभाष घई को देना था जो मुक्ता आर्ट्स में काम करने वाले हर कलाकार के लिए जरूरी शर्त होती थी लेकिन महिमा चौधरी इस क्लोज को पूरा नहीं कर पाई जिसके चलते इन पर केस दर्ज होने की बात भी सामने आई। लेकिन कुछ समय बाद महिमा चौधरी ने सुभाष घई से मिलकर इस मामले को शांत करवा लिया। महिमा चौधरी ने साल 2013 में अपने पति से तलाक ले लिया था जिसके बाद इन्होंने अपनी बेटी की परवरिश अकेले ही की थी और आज महिमा चौधरी अपनी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ, साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।